वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं गुड़ के एक गाने पर मौजूद हूं। यहां गुड़ कैसे तैयार किया जाता है, गन्ने से रस निकाल के फिर इसको मतलब एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया जाता है और आग जला के इसे चिड़ बन जाता है और फिर गुड़ बन जाती है। अगर आप देखें इस वक्त मेरे साथ, अगर आप देखें तो बिल्कुल गुड़ जो है ना वो तैयार की जाती है और यहाँ पर जवान लगे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि गरम गरम गुड़ जो है ना वो तैयार किया जाए। आप अगर आगे उस ताल को देखें, उस बड़ा सा ताल बना हुआ है, इसमें गन्ने से रस निकाला जाता है, वो टप है, टप में पानी आता है, रस गन्ने का रस उसमें आ जाता है और फिर इससे ताल में आ जाता है और ताल से फिर आग जला के इस हद तक इसको हीट दिया जाता है कि जब ये मतलब चिड़ बन जाता है। तो चिड़ के बाद इस बड़े ताल में वो चिड़ डाला जाता है और फिर इसके बाद गुड़ जो है ना बनाने का मरहला जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही मतलब ऑर्गेनिक किस्म के है। मैंने ये सोचा कि आपको यहाँ पर डाउन डिस्ट्रिक्ट जितनी भी है यहाँ पर गुड़ की बहुत ज़्यादा, गन्ने का बहुत काश किया जाता है। एक यहाँ के किसानों का, जमींदारों का एक बहुत बड़ा जरिया माश है ये। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि गुड़ कैसे तैयार की जाती है और गुड़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये सब में चीज़ें मैंने आपको बतानी। मेरे साथ रहे। गुड़ बनाने का तरीका आप देख सकते हैं, हमारे दोस्त लगे हुए हैं, गुड़ तैयार कर रहे हैं। वहाँ पर ताल लगा हुआ है, इसमें गन्ने का रस निकाल दिया जाता है और फिर यहाँ पर पका दिया जाता है। तो पकने के बाद ऐसी चीड़ बनती है और चीड़ के बाद ये गुड़। तो ये बहुत ही शानदार जायकादार गुड़ आपको खिलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद आऊँगा और आप इंतज़ार कर। ये आप देख सकते हैं, ये गन्ने का रस है, वो यहाँ पर अगर आप देखें वो टप लगा हुआ है, वहाँ मशीन घूमता है, गन्ने से रस निकलता है और रस निकलने के बाद यहाँ इस कढ़ाई में गिर जाता है। फिर यहाँ पर आग जलाई जाती है और आग जलाने के बाद जो है ना ये इतना मतलब इसको हीट दिया जाता है कि ये चिड़ बन जाता है और चिड़ बन जाने के बाद फिर इसको बाकायदा तौर पर अगर आप ये देखें तो यहाँ से फिर यहाँ इस ताल में डाला जाता है और ताल में फिर यहाँ पर हमारे जो आप देख सकते हैं जवान, ये इस तरह चिड़ बन जाता है। चिड़ बनने के बाद ये लोग हाथों से जो है ना वो गुड़ बनाते हैं गरम गरम। तो अभी चूँकि ये सीज़न है और ये अप्रैल तक ये सीज़न जारी रहेगा, ये चीड़ है, ये काफ़ी बहुत बड़ा ताल होता है, इस ताल में डाल दिया जाता है और फिर इसको, तो ये बिल्कुल लोकल ब्रांड है और मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई केमिकल इसमें नहीं शामिल और गुड़ कावे के साथ चाय में भी डाला जाता है और गुड़ जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें इनसे बनती है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक किस्म की गुड़ है। मेरे साथ रहे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नवीद मौजूद है। नवीद खान स्वाद से आए हैं गुड़ खरीदने के लिए, तो इनसे जानते हैं कि इनको कौन सा गुड़ पसंद है और ये गुड़ के हवाले से यहाँ पर ये क्यों खरीदने के लिए आते हैं। नवीद खान, आपको हम वेलकम करते हैं, आप टाइम दे रहे हैं। आप ये बताए कि आपको गुड़ आप किस चीज के साथ खाते हैं और गुड़ के बारे में यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, गुड़ तो मैं कावा जो है, हम कावा पीते हैं रात को, तो उसमें चीनी नहीं डालते हैं। अच्छा, तो कावे के साथ हम खाते हैं। और दूसरा, इधर का जो गन्ना होता है ये जब बनाता है ये जो चीड़ है गुड़ का, उसी में ये डालता है, ये वाला है, इसका मैं बड़ा शौकीन हूँ। और भी बना रहे हैं ये भाई लोग मेरे लिए। अच्छा, ये साथ लेके जाऊंगे। बेहतरीन बेहतरीन। तो मैंने आपको ये बताना था कि गुड़ जो है ना वो सिर्फ चाय में और दीगर चीजों में इस्तेमाल के लिए नहीं, वैसे भी शौकिया लोग जो है ना वो खाने के लिए इसमें वो दीगर ड्राई फ्रूट डाल के इसको मेवे वाला जो है ना गुड़ के कहा जाता है, मसालदार गुड़ उसको कहा जाता है पुश्तो में। तो इसमें ड्राई फ्रूट मतलब चनगोजा, मूंगफली, बादाम, ये पिस्ता वगैरह डाल के फिर वो अगर आप गुड़ खाए ना तो ये
अलग-अलग इसका मजा होता है, बेहतरीन होता है वो। तो मेरे साथ रहे, मैंने थोड़ा सा आपको कुछ और चीज़ें भी दिखानी। हाँ, मशीन है, इस मशीन के जरिए जो है ना वो गन्ने का रस निकाला जाता है और फिर ये गन्ना आप देख सकते हैं और गन्ने के फसल भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फसल तैयार है बेहतरीन। तो ये सूरत हाल है, ये गन्ने का फसल, थोड़ा सा आपको दिखाऊं, बिल्कुल तैयार है बेहतरीन। और ये इससे रस निकाला गया है तो फिर इसका जो मलबा है या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सुखाते हैं, जलाने के लिए भी है और दीगर काम के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। खालिस गुड़ होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। ये जो इलाका है, ये मर्दान डिस्ट्रिक्ट का लास्ट एरिया है कालोशा, ये बिल्कुल हब है इस गुड़ बनाने के इलाके लिहाज से और सारे इलाके में इसको पसंद किया जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये दीर, चतराल, सवात, अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इसका गुड़ चला जाता है, उधर लोग इसको पसंद करते हैं। और ख़ासकर में दिसंबर और जनवरी का जो गुड़ होता है वो ख़ासकर मशहूर है इस इलाके का, क्योंकि ये सारा साल बिल्कुल ख़राब होता ही नहीं है। इसके अलावा इसमें यह है कि ये जब छोड़ जाते हैं कुछ गन्ना तो ये गर्मियों में रस के लिए भी, जूस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इस इलाके का। और इसमें बहुत से लोग आते हैं पेशावर से, मर्दान, चतराल, सवात और ये दूसरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, पेशावर में जितनी भी जूस या रस वाले गाड़ियाँ होती है उसके लिए वो प्रोवाइड करते हैं। ये गुड़ जो है ये केमिकल इसमें होता नहीं है, ये मज़र सेहत है ही नहीं, क्योंकि बाज़ इलाकों में इसमें कुछ चीज़ डाली जाती है जिसको रंगकाट कहा जाता है, जो ये मिठाइयों वगैरह में रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मज़र सेहत है। लेकिन जो हमारा इलाका है इसमें खालिस चीज़ तैयार की जाती है जो सारा साल ख़राब भी नहीं होता, उसका एक क्वालिटी ये है। दूसरा ये कि मैदा जो है उसको भी प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाता। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मशहूर हैं इस इलाके की कि ये खालिस चीज़ बनाते हैं। ये गन्ना अपने उम्र तक पहुँचते हैं तो हम उस काट कर ये गाड़ी को लाते हैं और उससे पानी निकाल कर गाड़ी में पकाते हैं, फिर वो हम ये हल करते हैं और चक्की बनाकर गुड़ बनाते हैं।
दोनों जानब अगर आप देखें तो गन्ने का फसल है, बहुत बड़े रकबे पर गन्ने को काश किया जाते हैं और गन्ने के फसल को यहाँ पर तैयार किया जाता है।